प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ आचार्य आशीष। आज मैं बात करने वाला हूं हनुमान जयंती को लेकर के। हनुमान जयंती कब है, कितने तारीख को है, हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है, क्या इसका विशेष महत्व है, क्या हमें आज के दिन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन तमाम सभी के साथ विशेष प्रश्नों के साथ मैं आपके साथ इस चर्चा में जुड़ूंगा। फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप नए दर्शक हैं, पहली बार अध्यात्म और ज्योतिष पर विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें और साथ में जो घंटी का निशान है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। समय समय पर इसी के जरिए आपको नवीन वीडियो आपको मिलेगी, चाहे ज्योतिष की हो चाहे अध्यात्म की। इसी के साथ आप यदि जन्म कुंडली हस्तलिखित बनवाना चाहते हैं या दिखवाना चाहते हैं, उसका विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान से जुड़ी हुई समस्याएं कोई आपके सामने, आप उसका निदान चाहते हैं या फिर रत्न रुद्राक्ष आदि की आप जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अध्यात्म और ज्योतिष के लगातार नंबर जो नीचे फ्लैश हो रहे हैं इस पर आप समय लेकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधुओं, फटाफट चलते हैं हनुमान जयंती की ओर। हनुमान जयंती किस दिन पड़ रही है इस बार 2021 में? 27 अप्रैल 2021 को हनुमान जयंती रहेगी। आज के दिन ये हनुमान जी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो चैत्र शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा तिथि को आता है। नवरात्र अभी पीछे जो है, नवरात्र को लेकर के मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उसको भी देख सकते हैं, नवरात्र की संपूर्ण जानकारी उसमें दी हुई है। और चैत्र प्रतिपदा से लेकर के चैत्र शुक्ल नवमी तक नवरात्रि होते हैं और उसके बाद फिर जो है हनुमान जयंती पूर्णिमा पर होती है। दर्शकों, यूं तो हनुमान जयंती को लेकर के बहुत सारे आख्यान हैं, लेकिन हनुमान जयंती पर हमें खासकर क्या करना चाहिए? हम लोग कोई भी एक संकल्प लेकर के हनुमत कथा करा सकते हैं। हनुमत कथा हम लोग अपने घर में भी कर सकते हैं, किसी मोहल्ले में हम सब एकत्र होकर कर सकते हैं, या समाज को एक नई दिशा दशा के लिए हम इसको सामूहिक रूप से बड़े स्तर पर भी कार्यक्रम कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी का वह आदर्श है जो निश्चित रूप से हर व्यक्ति के अंदर वह व्यक्तित्व होना चाहिए। हम लोग ऐसे आख्यानों को, ऐसी कथाओं को समाज में प्रसारित करते हैं तो बच्चों के मन मस्तिष्क पर इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ कहीं आतंकवाद जैसी स्थितियां, कहीं आपने देखा होगा कि जो नकारात्मकता सोच के लोग हैं, इन लोगों को फलने फूलने का जो अवसर मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो समाज के अंदर विकृतियां हैं, कुरूतियां हैं, समाज के कुछ ऐसे एक वर्ग जो कहीं ना कहीं समाज के अंदर विष घोलने का कार्य कर रहा है, यदि हम सकारात्मक पाठ पढ़ाएं, यदि हनुमान जी के आदर्श को बताएं, घर गृहस्थी में तमाम रिश्तों को निभाने की बात हो, हनुमान जी के बल वीर को बखान करने की बात हो, तो निश्चित रूप से हनुमान चरित्र हम सबको सुनाना चाहिए। हनुमान जी के लिए आप निश्चित रूप से मंगलवार का दिन, शनिवार का दिन हम हमेशा इसमें श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन हनुमान जयंती पर खासकर सुंदरकांड का हमें अनुष्ठान करना चाहिए, उसका पारण करना चाहिए। सामूहिक मिलकर के जब भी हम किसी काम को करते हैं तो संघे शक्ति कलियुगे, उसका हमारे संपूर्ण जो हम लोग एक समूह में एकत्र होकर करते हैं उसका फल भी कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा, आप समूह में, चाहे परिवार में हो, मोहल्ले में हो, या फिर अपने नगर में हो, गाँव में हो, समाज के एक बड़े तबके को साथ में लेकर के आपको ये यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए। हनुमान जी के 108 हनुमान चालीसा का पाठ रख सकते हैं, 108 सुंदरकांड का पाठ रख सकते हैं, हनुमत कथा आप रख सकते हैं। ऐसे विशाल भव्य और दिव्य आयोजनों के रूप में आपको हनुमान जयंती मनाना चाहिए। हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष कलिकाल के देवता हैं, जो रोग शोक और तमाम विघ्न और बाधाओं से आपको मुक्ति दिला सकते हैं। तो बंधुओं, आशा करता हूँ हनुमान जयंती पर आप सब लोग हनुमान जी के इस कार्यक्रम को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। बूंदी और बूंदी के लड्डू सबको खिलाएं, आनंद के साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और राम नाम का बखान करें। आप सभी दर्शकों को जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।